जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ, इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अधिकतम उम्र क्या है, यानी कि मैक्सिमम एज फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। वो वीडियो जो है वो थोड़ा सा उसमें जो है कमेंट्स में जो देखने को मिल रहे हैं कि उस वीडियो में कमेंट और इंस्टाग्राम पर, उसी वीडियो के माध्यम से इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने मैक्सिमम एज तो बता दी, आप न्यूनतम एज भी बताइए, यानी कि मिनिमम एज क्या है इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की हर एक कैटेगरी के लिए। तो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक देखें। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाद में आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो अभी लाइक जरूर कर दें। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो पर जुड़े रहें, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मैं देने वाला हूँ, नॉलेज जरूर मिलेगी इस वीडियो से, कुछ सीख कर जाएंगे आप लोग। देखिए जी, सबसे पहले मैं बात कर लूँगा यहाँ पर कि जुवेनाइल जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर बिना गियर गाड़ियों को चलाने के बनाया जाता है, वो किसकी कितनी उम्र है उसकी वो बताऊँगा, और ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के लिए बताऊँगा, साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको नॉन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के लिए बताऊँगा। यानी कि मैं आपको तीनों जो कैटेगरी हैं इंडिया में, तीन कैटेगरी बेसिकली ये डिवाइडेड हैं, वो तीनों के बारे में आपको विस्तृत से मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिएगा, अब ध्यान से सुनिए ये चीज़। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हम MCWOG कैटेगरी के लिए, MCWOG जो कैटेगरी होती है, यानी कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर, यानी ऐसे वाहन जो बिना गियर के होते हैं, ऐसे वाहनों को चलाने के लिए भारत में जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की न्यूनतम उम्र है वो 16 वर्ष निर्धारित की गई है। ध्यान से सुनिए, 16 वर्ष निर्धारित की गई है। 16 वर्ष में बिना गियर वाली गाड़ियों को आप चला सकते हैं, लेकिन उसकी ये जो कैपेसिटी है वो मात्र 50 CC है, यानी कि 50 CC के अंदर के वाहन चला सकते हैं। तो इंडिया में फिलहाल 50 CC के अंदर का कोई भी वाहन ऐसा नहीं है, तो ऐसे आप लाइसेंस बनाकर भी आपको कोई मतलब नहीं होने वाला है। काफ़ी सारे राज्यों ने MCWOG लाइसेंस जो है बनाना ही बंद कर दिया है, तो ये चीज़ें आपको नोट करके रख लेनी चाहिए। तो पहले मैंने आपको बता दिया 16 वर्ष न्यूनतम उम्र है, लेकिन वो बिना गियर वाली गाड़ी को चलाने के लिए, वो भी 50 CC तक के। ठीक, अब बात कर लेते हैं गियर वाले वाहनों को चलाने के लिए नॉन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में, यानी कि जो कमर्शियल नहीं होते हैं। तो जैसे कि आपका 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है और गियर वाली व्हीकल्स हैं, इन सभी को चलाने के लिए भारत में अधिकृत और जो एक बोल सकते हैं मान्यता प्राप्त एज है वो 18 वर्ष है इंडिया में, 18 वर्ष फॉर MCWOG LMB ड्राइविंग लाइसेंस फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट कैटेगरीज। यानी कि व्यावसायिक आप नहीं चला सकते हैं वाहन 18 वर्ष की उम्र है, व्यावसायिक वाहन नहीं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं चला सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट खुद के लिए आप कार, मोटरसाइकिल, जीप, ये सब चीज़ें चला सकते हैं प्राइवेट कैटेगरी के लिए। 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए उम्र और रनिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कमर्शियल यानी कि ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के लिए। ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के लिए यहाँ पर भाइयों बहनों आपकी उम्र जो है वो 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 20 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक नॉन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो है पहले से होना चाहिए, 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। यानी कि हैवी और ट्रांस लाइसेंस बनाने के लिए पहले ही 4 व्हीलर का LMB लाइसेंस NT कैटेगरी का होना चाहिए। तो 16 वर्ष जुवेनाइल केस में है और साथ ही साथ उससे आगे बढ़ेंगे तो 18 वर्ष जो है वो मान्यता प्राप्त एज है इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के, किसी भी गियर वाले वाहनों को चलाने के लिए। नेक्स्ट है 20 ईयर्स और कमर्शियल व्हीकल। तो आपको मैंने तीनों एज बता दिया है और अधिकतम उम्र क्या है उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर प्लेलिस्ट में वीडियो मुझे जाकर देख लीजिए। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को, अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तभी भी यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए फ्यूचर में भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको फ्यूचर में भी देता रहूँगा। हाँ, पर्सनल बातचीत सजेशन सुझाव के लिए आप इंस्टाग्राम पर ओपन है, आप आइए, स्वागत है, @TechnicalAlokji फॉलो करें, क्वेश्चन पूछिए। ट्विटर पर अपने ट्वीट को लिखकर मुझे टैग करके ट्वीट कर दीजिए, साथ साथ टेलीग्राम या फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल है, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो करके तभी जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।